तो ये देखिए हमारा कितनी अच्छी आटे का हलवा बनके तैयार है। आटे का हलवा के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने आधी कटोरी चीनी लिया है। आप मेजरमेंट ध्यान से करेंगे ताकि ये अच्छे से बन सके। तो आधी कटोरी चीनी लिया हमने, तो उसमें एक कटोरी हम पानी लेंगे, चीनी का दुगना पानी लेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। हमें चाशनी नहीं बनानी है, केवल चीनी को पिघलाना है। तो ये हमारा देखिए चीनी पिघल रहा है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे चलाते हुए इसे पिघलाएंगे तो ये हमारा फाइनली चीनी हमारी बिल्कुल पिघल चुकी है। तो ये चीनी वाली पानी हमारी तैयार है। तो अब हम आटा लेंगे। आटा भी हमने आधी कप लिया है। आप किसी भी मेजरमेंट कप या कटोरी से आप कर सकते हैं। तो आधी कटोरी हमने यहाँ पे आटा लिया है और उस आटे को लगभग 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भूनेंगे ताकि इससे जो स्वाद आए वो बहुत ही अच्छा इसका आएगा। तो ये देखिए हमारा आटा भून गया है। हम इसे लाल नहीं करेंगे भूनने के बाद, मतलब हल्का से भूनना है 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो अब इसे उतार लेंगे। तो अब हम यहाँ पे घी हमने आधी कटोरी लिया है। तो जितना हम आटा लेंगे उतना ही घी का मात्रा लेंगे इसमें। और थोड़ी सी हमने 1 से 2 चम्मच रख लिया, बाद में घी को ऐड करेंगे। तो उस घी में हम भुने हुए आटे को इसमें डालेंगे और उसे डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। और इसी तरह प्रकार से आप इसे भी लगभग 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम पे इसे भुनेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा भून रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट घी में ही आटे को भूनते हैं तो उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो आटे को हम पहले सूखे में भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें चीनी वाली पानी जो हमने एक कटोरी तैयार किया था उसे डालेंगे और यहाँ पे फ्लेम को लो करके हम धीरे धीरे इसे मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारा चीनी पानी अच्छे से इसमें मेल्ट हो सके। तो इसी प्रकार से आप धीरे धीरे चलाएंगे इसे, फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। तो आपको जब इस प्रकार से आप चलाते रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल ये गाढ़ी हो जाएगी। तो मेजरमेंट यही रखना है, आधी कप चीनी, आधी कप आटा, पानी उसका दुगना। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा हलवा आटे का जो है ये बन रहा है। आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा इस हलवे की रेसिपी को। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्राई करके। तो ये देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितना स्वादिष्ट है ये आटे का हलवा। तो ये हमारा देखिए कढ़ाई भी छोड़ चुका है। तो अब हम लास्ट में यहाँ पे हमने जो थोड़ी सी घी बचा के रखा था यहाँ से उस पर डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच लास्ट में। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद मिला के इसे कढ़ाई को उतार लेंगे हम। तो ये देखिए लास्ट में घी ऐड करने से इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, स्वाद को ये दुगना कर देता है। तो ये देखिए हमारा फाइनली आटे का हलवा बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस आटे के हलवा की रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर बनाएं। तो ये देखिए इसकी प्लेटिंग हम करते हैं, ये कितना अच्छा, इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आया। ये आपको देखने से नहीं लग रहा होगा कि ये आटा का हलवा है, आपको देखने से तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सूजी का हलवा है। तो इसे सूखे में भूनने के बाद इसी प्रकार से इसमें टेक्सचर आता है। तो इस प्रकार से आप अपने आटे का हलवा बनाएं और अपने फैमिली को, अपने गेस्ट को खिलाएं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।